जिला ऊना के आलू ने देश की प्रमुख मंडियों में खासी धूम मचा रखी है। इस बार जिला ऊना में आलू की पैदावार भी काफी अधिक हुई है। बम्पर पैदावार के साथ ही किसानों को आलू का दाम भी मार्केट में एकाएक नीचे आ गया है। देश की अलग अलग मंडियों से आढ़ती ऊना के किसानों के खेतों से ही आलू की फसल ले जा रहे हैं। वहीं इस एप्स में किसानों को 1400 से लेकर 1600 रुपए क्विंटल तक दाम भी मिल रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले तक खेतों से आलू निकालने वाले किसानों को 1800 से 1900 रुपए तक भी दाम मिला है। इस दफा मौसम ने भी किसानों का खूब साथ दिया, जिसके चलते आलू की अच्छी पैदावार संभव हो पाई है। इस बार ऊना का जो आलू है वो काफ़ी मतलब अच्छा हमारे यहाँ पे किसानों को पैदावार रही है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा इस बार सहायक रहा, मददगार रहा, और उस चीज़ के कारण आलू की पैदावार जो थी वो एक बम्पर फसल के तौर पे इसको देखा गया। ये जा रहा है जी, कुछ राजस्थान जा रहा, यूपी जा रहा और दिल्ली वेल्ड में जा रहा है। दिल्ली ये गाड़ी जो खड़ी है गाजीपुर जा रही है। तो किस तरह की इस बार फसल हुई? फसल तकरीबन यही है ना, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं आया इस साल, क्यों फसल कोई रेट नहीं चढ़ा इसका। पहले शुरू में थोड़ा रेट था, उसके बाद फिर नीचे आ। ऊना के आलू की डिमांड हमारी मंडियों में अच्छी रहती है, ऊना की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हमारी दिल्ली की मंडियों में ऊना के आलू की मांग रहती है। इसलिए मैं हम दिल्ली गाजीपुर सब्जी मंडी से आए हुए हैं, हमें करीब करीब एक महीना होने वाला है। बाकी मंडी में हमारे इस आलू की ऊना की डिमांड रहती है। ऊना में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि पर आलू की पैदावार की जाती है और हर साल जिला ऊना में 15 से 17 हजार मीट्रिक टन आलू की पैदावार होती है। ऊना जिला में दो किस्म के आलू की पैदावार मुख्य रूप से की जाती है। जैसा कि ऊना की अगर हम बात करें तो जिला ऊना जो है एक कृषि हब है, तो इसमें अगर आलू की बात करें तो इसके दो सीजन होते हैं, एक रबी का है, एक खरीफ का है। खरीफ का जो सीजन है इसमें एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड तो बहुत कम एरिया है, 1000 के करीब है, लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो 1500 से 1800 हेक्टेयर के बीच में आजकल इसकी आलू की खेती हो रही है। सर बात की जाए किस तरह की डिमांड ऊना के आलू की इस बार रही और किस तरह की इस बार पैदावार हुई है? इस बार बहुत अच्छा आलू, मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इस बार के आलू की, और रेट शुरू में बहुत अच्छा मिलता है फार्मर को, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात एकदम बीच में आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, और जैसे मार्केट में अगर ज़्यादा आलू जाएगा तो नेचुरली उसकी रेट कम होगा।